हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई साइकिल मैन मुरलीधर फेरियार। और आज हम पहुँचे हैं विसवाड़ा मूल द्वारका नगरी। यहाँ पर एक गौशाला है गिरजी बापानी, वहाँ पर रुके हुए हैं। और ये गौशाला आप देख सकते हो कि किसी बड़े होटल या घर से कम नहीं है। ये है हीरजी बापा की गौशाला, ये रहने के लिए कमरे। और ये उस साइड जो पक्के मकान है उनमें गाय रहती है। ये हीरजी बापा की गौशाला है, यहाँ पर कई बार भंडारा भी लगता है और सत्संग हॉल है ये। बहुत ही बढ़िया जगह है, किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अगर आप पर्सनली अकेले रुकना चाहते हो तो मतलब यहाँ की गायों के लिए भी पक्के कमरे हैं, कच्चे नहीं है छपरों में। तो देख सकते हो कि गौशाला कितनी अच्छी है। वैसे ये गौशाला के साथ साथ गो चिकित्सालय है, इसलिए ज़्यादा मेटर है। और ये वीर हनुमान बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई, जय बजरंगबली। और ये बाबा राम साफीर की मूर्ति, बाबा रामदेव जी की। ये छत्र इनके ऊपर थे, लगाने के लिए लाए हुए हैं अभी। बहुत भाइयों, अभी हम हीरजी बापा की गौशाला से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं मूल द्वारिका पूरी। मतलब यहाँ पे द्वारिका है जिसे लोग कहते हैं मूल द्वारिका नगरी। वहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर भी है, काफ़ी पुराना। तो वहाँ पर देखेंगे क्या है और वहाँ के इतिहास का भी पता लगाएंगे। भाइयों, अभी हम आ चुके हैं मूल द्वारिका मंदिर, यानी मूल द्वारिका धाम। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है मूल। पौराणिक काल का विष्णुपद नाम का तीर्थ काल क्रम में विसावाड़ा नाम से प्रचलित हुआ। भगवान विष्णु के एक से अधिक मंदिर की वजह से मूल द्वारका नाम से इस स्थल की महिमा है। स्थानीय मान्यता अनुसार
विज्ञान भक्त नाम के विष्णु भक्त रहते थे। विश्रावड़ा में शंख और रामदिल के छोटे मंदिर मैत्र स्थापित। श्री द्वारका देश का मुख्य मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर मध्यकाल की सरकार। ज्ञानवाव गंगा जलिया तालाब और छोटे बड़े 20 मंदिरों वाला विश्रावड़ा प्राचीन और महान तीर्थधाम। तो मुझे ऐसा लगा ही था कि विश्रावड़ा में कुछ तो है, तभी मैं इस गांव की ओर आ गया। तो हाँ ठीक, तो यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है मुख्य मंदिर की। और ये देख सकते हैं आप कितना प्राचीन मंदिर है मूल द्वारिका का जो है। यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव और भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है, शिवलिंग है। फोटो खींचना मन है लेकिन हम बाहर से ही ले रहे हैं। देख सकते हो आप कितना प्राचीन है। थोड़ी रिन्यूअल की जरूरत है कि थोड़ा रिन्यूअल करे इनका गवर्नमेंट को भी और स्थानीय लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। स्थानीय क्या सभी को, ये जो मूल द्वारिका है कम से कम इसका थोड़ा बहुत तो रिन्यूअल होना ही चाहिए। ज्यादा मंदिर नहीं है लेकिन है वो काफ़ी एंटीक और पुराने हैं, तो रिन्यूअल तो होना ही चाहिए। ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है और उस सब मूल द्वारिका अंदर फोटो नहीं ले सकते इसलिए सॉरी। तो ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है मूल द्वारिका नगरी में, बहुत ही प्राचीन है। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कि भगवान विष्णु और महादेव के मंदिर दुनिया में सर्वत्र है, तो इस मंदिर को ये विसावाड़ा क्षेत्र तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है, तो उन्होंने भगवान ने इसका नाम मूल द्वारिका रख दिया था, तब से इससे मूल द्वारिका धीश भी कहते हैं। श्री मूल द्वारिका धीश जी। और यहीं पर नीलकंठ महादेव का मंदिर है के पास में। अंदर फोटो अलाउड नहीं है तो हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। जय वीर हनुमान। और ये सभी बहुत ही प्राचीन है। लेकिन थोड़ी यह है कि कोरोना काल के कारण रखरखाव में कमी आई है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ये गांव के अंदर है, तो मूल द्वारिका थोड़ा रिन्यूवेशन का काम भी होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय गुरु दत्तात्रेय। आप देख सकते हो कितना प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, सारा बहुत ही प्राचीन है।
यहाँ पे ये कुंड है, अति प्राचीन, देख सकते हो प्राचीन काल का। अभी तो पहले तो रस्सियों के सहारे खींचा जाता था, लेकिन आजकल तो मोटरें आ गई है तो इनके सहारे खींचा जाता है। एक चीज़ है यहाँ पे, केवल रख रखाव की ही कमी नज़र आ रही है। इतना प्राचीन मंदिर है, इनके लिए अलग से कमेटी बनानी चाहिए। कुएं सभी ऐसे ही खुले पड़े हैं तो थोड़ा रख रखाव होगा तो लोग भी आएंगे और खर्च भी उठा लेंगे। वाव, इस वड़ा एन अनयूजुअल स्टेप वेल, दिस सेंचुरी स्टेप वेल इज टेबल फोर, इट्स ए एल सेफेड प्लंग दुफेड मैन इन द लास्ट टू। आई डोंट नो सूर्य इन फर्स्ट कुत्ता ज्ञान बावड़ी, ये वो बावड़ी है। अभी हमने ऊपर से जो पानी का कुआं देखा था वही है, ये अति प्राचीन है। डरा दिया कबूतरों ने। लोग भी यहाँ पे है ना बहुत ही केयरलेस, सेम ऑन द पीपल, गंदगी फैला देते हैं जहाँ भी जाते हैं। यहाँ पर तो वैसे भी रख रखाव की कमी है। कबूतर डरा रहे। ये कुआ है, बावड़ी है, सीढ़ियाँ लगी हुई है इसमें। नीचे जाने के लिए ज़्यादा नहीं दिखाई देती, कितना ऊंडा है पता मुझे पता नहीं चलता, लेकिन पानी भी इसका मीठा है। देखा जाए तो कुल मिला के यहाँ पे अति प्राचीन मंदिर है, केवल रख रखाव की ही कमी है और लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। थोड़ा रिन्यूअल का काम करवाना चाहिए अभी इस पर। देख सकते हैं कितना प्राचीन है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर है, सबका अलग अलग महत्व है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग भी है, ये जितने भी है। और यहाँ के जो साधु महात्मा थे उनके भी यहाँ पे ये मंदिर बने हुए छोटे छोटे, जिनमें उनके चरण चिन्ह रखे हुए हैं। यहाँ पर सभी देवताओं के मंदिर है छोटे बड़े, इसीलिए यहाँ पर ये मुख्य तीर्थ स्थल होने की वजह से प्राचीन समय में इसका नाम मूल द्वारिका रखा गया। अभी तो ये मुझे नहीं लगता कि वो इतना मुख्य है अभी के टाइम, लेकिन उस समय उसका बहुत महत्व था।
ये ऋषियों की तपोभूमि रही है, उस समय तो अलग ही महत्व ही था उसका।